नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोजनामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मीडिया के ताल्लुक से। मीडिया ये वही मीडिया है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ और आप जो देख रहे हैं आप भी एक तरह से इस मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस मीडिया को आप और हम आजकल देख रहे हैं उस मीडिया के ताल्लुक से अगर आपके सामने इंकशाफात किए जाएंगे, उनकी हकीकत को बयान किया जाएगा तो आप मानने से इनकार करेंगे। क्योंकि जो मीडिया आप और हम देख रहे हैं उसमें बेशतर मीडिया ऐसा है, यानी 99% मीडिया ऐसा है जो किसी ना किसी तरह से सियासी जमातों से जुड़ा हुआ है, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी का तर्जुमान है या फिर ऐसी ताकतों के मातहत है जो इस दुनिया में अमन अमान कायम रखना नहीं चाहते। मीडिया के ज़रिए से वो लोगों के जहनों को वॉश करना चाह रहे हैं। माइंड वॉश करने का काम मीडिया के ज़रिए से किया जा रहा है, लेकिन इस हकीकत को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम रोज़ाना ऐसे टीवी चैनल्स देख रहे हैं जो हमारे खिलाफ ही बोलते हैं, इंसानियत के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ बोल रहे हैं और किसी ख़ास शख्स की तर्जुमानी कर रहे हैं, यानी ख़ास शख्स को पब्लिसिटी दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप और हम इस मुल्क को मुस्तहकम बनाना चाहें तो कैसे मुमकिन है। बावजूद इसके हम आज का इनकलाब, जो रोज़नामा आज का इनकलाब है, उसके ज़रिए से एक छोटी सी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मीडिया को साफ शिफाफ और सच्चाई का आलमबरदार बनाएं। इसी कोशिशों के तहत पिछले 8 सालों से हम आपके दरमियान हैं, आपके साथ हैं, आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं, अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, हर उस तबके की तर्जुमानी कर रहे हैं जिसको इस मीडिया की ज़रूरत है। फिर भी हमारी ये कोशिश रही हमेशा रहती है कि हम हमारे अखबार को, यानी आपके अखबार को बेहतर से बेहतर तरीके से आपके दरमियान पेश करें, वो भी तमाम सच्चाइयों के साथ। नाज़रीन, अब चूंकि ये अखबार 8 साल का हो चुका है और हमने पहले से ही ये तय कर रखा था कि इस अखबार को सिर्फ अखबार नहीं बल्कि तहरीक की शक्ल में पेश करना है और इस तहरीक से हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जोड़ना है। इस कोशिश के तहत फिलवक्त तो हमने हज़ारों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और बाकायदा कई लोग हमसे रोज़ाना रोज़ाना तालुकात बनाए हुए हैं कि इस मीडिया हाउस को, आज इनकलाब के मीडिया हाउस को मज़ीद तरक्की देते हुए आगे तक ले जाएं। इसी कोशिश के तहत 8 साल होते ही हमारे आज के इनकलाब की जानिब से इनकलाब जो यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, इसे भी चाहने वाले, इसे भी देखने वाले रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज टीवी जैसे एक सोर्स को रखते हुए भी लोग हमारी बात को सुनने के लिए हमारा इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से जो हम आप तमाम के दरमियान जो बात पेश कर रहे हैं उसमें कुछ लोगों को हमारी सच्चाइयाँ कबूल नहीं हैं, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी सच्चाइयों को, हमारी बात को कबूल करते हुए हमारा साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसा कि हमने इससे पहले ही कह दिया था कि आज का इनकलाब के मातहत ही कन्नड़ रोज़नामा भी मंजर आम पर आएगा, इसके लिए तैयारियां कमोबेश मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बस बुनियादी यानी बेसिक फाउंडेशन डालने के लिए हमारे जानिब से काम चल रहा है। इस काम को ख़त्म करने या इस काम को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए हमने एक सुद्दी भारती नामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरतीब दी है जिसमें ऐसी सोच और फिक्र रखने वाले लोग हैं जो मीडिया के ज़रिए से लोगों को ज़हनी गुलामी से बाहर ले आएँ। तो इस काम में हमारा साथ देने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में एक मजबूत प्लेटफॉर्म की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके लिए आप तमाम से हम तआउन चाहते हैं, क्योंकि ये मीडिया आज़ादाना तौर पर काम कर रहा है और ये किसी पार्टी की मिल्कियत नहीं है, ना ही किसी शख्सियत की मिल्कियत है, बल्कि ये हर उस शख्स की मिल्कियत है जो दुनिया में इंसानियत का अलमबरदार हो, सच्चाई का अलमबरदार हो। इस काम को अंजाम देने के लिए एक या दो शख्स की ज़रूरत नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। भले इसमें काम करने वाले महदूद लोग हों, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हज़ारों और लाखों लोगों की ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि आप तमाम भी इस तहरीक के साथ जुड़े। सुद्दी भारती जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में भी महदूद लोग हैं, हालांकि हमारे पास जज्बात बहुत हैं, जोश बहुत है, लेकिन वसायल बहुत महदूद हैं। हमारे पास हिम्मत है लेकिन
इतने अफराद को साथ में रखने की ताकत नहीं कि उनको हम लोग संभाल सकें, उनको उनकी भी जिम्मेदारी उठा सकें। हमारे पास काम करने का तरीक़ा है लेकिन हमारे पास वसाइल की बेहद कमी है। इन तमाम को देखते हुए हम हर काम को सोच समझ कर बहुत ही होशमंदी और मनसूबाबंदी के साथ अंजाम दे रहे हैं। हालांकि इसमें भी कई तरह की रुकावटें पेश आ रहे हैं। कुछ लोग हम पर बिलावजह इल्ज़ाम करते हैं तो कुछ लोग अफवाहों का बाजार सरगर्म कर देते हैं। हम इन तमाम की परवाह किए बगैर अपने काम को जारी रख रहे हैं ताकि आप तमाम के दरमियान मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ऐसा मीडिया पेश किया जा सके जो पूरी तरह से आपको मुतमईन कर सके, हकीकत को सामने ला सके। इस काम में पहले से भी हमने बहुत कोशिशें की और इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। बावजूद इसके अब जो नए काम करने जा रहे हैं इसमें कुछ रुकावटें ज़रूर हैं लेकिन इन रुकावटों को दूर करते हुए हम आगे तक आएंगे, इस बात का हमें पूरा यकीन है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से आज का इनकलाब एक इदारा बनकर एक तहरीक बनकर उभरा था, इसी तरह से सुद्दी भारती भी एक ऐसा ताकतवर इदारा बनकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगा जो रियासत में अपनी मुनफरिद शनाख्त पैदा करेगा। यह इस बात का हमें पूरा यकीन है और हम इस पूरे यकीन के साथ पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो सुद्दी भारती ट्रस्ट होगा उसके ज़रिए से लोगों के दिलों में पहुँचेंगे, उसके ज़रिए से लोगों के घरों में पहुँचेंगे और मीडिया का जो हकीकी किरदार है उस किरदार के तहत उनकी खिदमत अंजाम देंगे, उनकी तर्जुमानी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस अखबार को या इस चैनल को या इस वेब पोर्टल्स को जो है महदूद लोग ना देखें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा करें। इसीलिए हमने हर तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इन तमाम कोशिशों को कामयाब करने के लिए आप तमाम का तआवुन ज़रूरी है। इसलिए हम आज के इस मुख्तसर से वीडियो में गुजारिश करते हैं कि आप इन हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस वीडियो को शेयर करें और आपकी बात को हमारे साथ सामने पेश करने के लिए आप कमेंट्स करें ताकि हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बना सकें। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट उसी वक्त बनता है जब आप लोग साथ देते हुए उन हमारी इस्लाह करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी आपकी कीमती राय को कमेंट्स बॉक्स में पेश करें और हम आपके कमेंट्स को देखते हुए अपने काम को मज़ीद बेहतर और मौसर बना सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नई बात के साथ, नई फिक्र के साथ आपके सामने ज़रूर पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।